हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं ये कढ़ी बना रही हूँ, तो आज मैं आपको ये कढ़ी बनाने के लिए बताऊँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, कितनी अच्छी लग रही है कढ़ी। तो चलिए आप इसे शुरू से देखते हैं कैसे बनाया जाता है। ये बड़े बनाने के लिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 2 चम्मच बेसन, थोड़ी सी हल्दी का पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा पानी, लगभग 3-4 चम्मच के बराबर पानी डालूंगी, ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अब इसको अच्छे से मिला लेना है। मैं यहाँ पे सिंपल से बड़े बना रही हूँ, इसमें प्याज व्याज नहीं डाल रही हूँ मैं, मुझे यही पसंद है इसलिए मैं यही बना रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हैं। तो पहले इसे बहुत देर तक मिलाना पड़ता है। मैंने बेसन को अच्छे से फेंट लिया है। ये जानने के लिए मैंने यहाँ पे एक गिलास में पानी ले लिया है और इसमें थोड़ा सा मिलाया हुआ बेसन को डालूंगी। तो ये नीचे नहीं बैठेगा, देखिए बिल्कुल ऊपर आ गया है। अगर ये नीचे बैठ जाता तो अच्छे से नहीं फूलता, ऊपर आ गया, अभी बड़े अच्छे से फूल जाएंगे। तो बड़ी बनाने के लिए मैंने कढ़ाई गर्म कर लिया, उसमें तेल भी डाल लिया है। उसके साथ मैंने एक गिलास पानी चढ़ा दिया गर्म होने के लिए, जिसमें मैं बड़ी को डालूंगी। तो पानी हमारा गर्म हो गया है, तो गैस को बंद कर दूँ और तेल भी गर्म हो गया है। अब इसमें मैं बड़ी को तल लूँगी। एक एक करके सारे बड़ी को इसमें डाल दूंगी मैं। अब हम बड़ी को पलट देंगे, पकिए दूसरी साइड से भी पक जाए अच्छे से। तो अब ये अच्छे से पक चुके हैं, तो मैं इन्हें निकाल लूँगी, इस पानी में ही डाल दूँगी ताकि बड़े हमारे अच्छे से फूल जाए। तो मैं इसमें डाल दूंगी 1/2 चम्मच जीरा। जीरा हमारा चटक रहा है तब तक हम करी का बैटर बना लेते हैं। तो इसी बर्तन में मैं 2 चम्मच और बेसन ले रही हूँ, 1 चम्मच हल्दी का पाउडर, टेस्ट के अनुसार नमक डाल दें, 1 कप दही लिया है मैंने। अब इसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहे तो दही को पहले ही मथ लें मथाने से, जैसे मैंने मथ लिया था दही को पहले ही। इसे बिल्कुल अच्छे से मिला लेना है। इसमें और पानी डाल दें, बिल्कुल पतला बनाना है इसे, क्योंकि बेसन पकने के बाद थोड़ा गाढ़ा हो जाता है। जीरा अच्छे से पक चुका है, तो अब इसमें 3-4 लाल मिर्च को तोड़ कर डाल दूँगी। अब मैं इस बैटर को इसमें डाल रही हूँ। इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे 5 मिनट तक यूं चला चला कर इसे पका लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी करी अच्छे से पक रही है। अगर ये ज़्यादा गाढ़ा लगे तो आप इसमें अभी भी थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं। खाने में आप इसे दाल चावल के साथ खाइए, बहुत ही अच्छा लगता है। तब हमारी ये कढ़ी बनकर रेडी हो चुकी है, तो मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी। तो अब मैं इसमें बड़ी को डाल दूंगी। इसको अच्छे से चला लें। अभी हो चुका है बिल्कुल खाने के लिए। तो उम्मीद है आपको हमारे ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।